हर हर महादेव अमित सर बोल रहे हैं जय श्री कृष्णा अमित सर को भी जय श्री कृष्णा ऑल ऑल राइट फर्स्ट ऑफ सारे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कौन कौन कहां से आया है everyone. सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ए टी पी स्टार की कहां, कहां तक है देश के कोनों में मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन बेटा कहां से आप लोग हैं बेटा और जो जो सेशन में आते जा रहे हैं मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन आज अपन एक बहुत ही अमेजिंग चीज पर चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स के सिलेबस पे क्या अपने को सिलेबस मालूम होना चाहिए क्योंकि बेटा जब प्रिपरेशन करते हैं तो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं किन से कितना क्या वेटेज होता है पूरा किया जाएगा आज के लाइव सेशन में प्यारे बच्चों पर सबसे पहले आप लोग बताएंगे कहां कहां से आए हैं वीडियो मेकर पंजाब से आए हैं वेरी गुड यूपी से आए हैं बस्ती जलगांव महाराष्ट्र आदित्य पाटिल यार पाटिल सर नेम सुनते ही मेरे को फील आ जाती है ना पाटिल ब्रो एकदम महाराष्ट्र से ही होगा अपना है ना राधे राधे बेटा राधे राधे सर अरुण साहू जी पमेल त्रिपुरा से बहुत बढ़िया जलगांव महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश अमेजिंग गाइज अमेजिंग अमेजिंग सो ऑल राइट ऑल राइट एवरी वन ऑल राइट एवरी वन सो आई होप आप लोगों ने अपनी जे प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली होगी बच्चों और अभी नहीं की है बेटा अभी भी अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं चैंपियन बैच ऑलरेडी आ चुका है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए बच्चे तो ऑनलाइन में अभी से अभी से रजिस्टर करो अगर आपको बहुत ही अमेजिंग बैच चाहिए होता है है ठीक बेटा मैं दो चार पॉइंट भी आपको बताऊंगा कि चैंपियन बैच आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो यही होता है बेटा प्रिपरेशन के दौरान किसी भी ऑनलाइन बैच में प्रिपरेशन के दौरान टीचर की गाइडेंस बहुत जरूरी है साथ ही साथ में दूसरा टीचर के साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए और तीसरा टीचर जो आपको पढ़ाए वही आपका डाउट ले बेटा ये, फैसिलिटी जो है, डाउट की, ये कम में मिलती है जो निचले होते हैं है जो फैसिलिटी। और ये मिलेगी आपको हमारे चैंपियन बैच में सारे आपको कोर फैकल्टी टीम हैं इस बैच के अंदर मैं अमित सर राजीव सरन बायोलॉजी के लिए और विनीत सर सारी चीजें आपको पढ़ाने वाले ऑलराइट एवरी चलो गाइस

सो ऑल राइट राइट तो बोलो हर हर महादेव स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों ये छोटू सा सेशन बूम बूम जे ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के लिए आइए सबसे पहले तो मैंने यहां पर

जैसे ही मैं डाल दूंगा आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो नो प्रॉब्लम एंड रोल ठीक है बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं ऑल राइट ऑल राइट गोकुल गोपाल ऑल राइट पमेल थैंक यू सो मच एवरी वन थैंक यू सो मच चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है दैट टर्न्स आउट टू बी फिजिक्स एंड मेजरमेंट ठीक है देखिए इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको एक ओवरव्यू मैं हर एक चैप्टर का आपको ओवरव्यू दूंगा क्या क्या करेंगे और आपको कैसे अप्रोच करना है इन को, इसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ बेटा सबसे पहले आपको आएगा And साथ ही साथ मेंशन बेसिकली डील करता है क्या बेटा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनसे और उनके यूनिट से तो यह अकेला एकमात्र चैप्टर आपको जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं उन सबके डायमेंशन के बारे में आगाह करने वाला है दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसके अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो जेईई मेन में हर बार एक से दो एक सवाल यूनिट डायमेंशन का आता ही आता है और एक एरर से सवाल पूछता ही पूछता है तो इसका जो वेटेज है वो एक से दो क्वेश्चन का हमेशा से रहता है जेईई मेंस में तो और सबसे अच्छी बात सबसे अच्छी बात है, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर वन से टू प्रॉब्लम पर जेईई मेंस चा, अगर एडवांस की बात करूं मैं एडवांस की बात करूं तो मेजरमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जेई एडवांस ठीक है बेटा हर साल एक सवाल तो श्योर है किस पे बेटा एरर्स पे अथवा मेजरिंग पे, डिड यू गाइस गेट इट और नॉट बेटा जेई एडवांस के अंदर तो मेंस और एडवांस दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है बेटा क्योंकि यहाँ पे आपको आठ नंबर में मिल सकते हैं और एडवांस में भी आपको चार से आठ नंबर मिल सकते हैं सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है राइट right, बेटा और इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात क्या है इजी किल है एकदम इजी किल चैप्टर है क्या है बेटा ये एकदम ही इजी किल चैप्टर है ऑल राइट right, तो यही है टॉपिक इसके अंदर टेक्नोलॉजी सोसाइटी एस आई यूनिट फंडामेंटल यूनिट लीस्ट काउंट एक्यूरेसी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एर इन मेजरमेंट डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड एप्लीकेशन के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं ऑल राइट एवरी वन ऑल राइट किस किस ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया अभी मुझे बताएंगे किस किस ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया सर आई मीन क्लास टेंथ हाउ टू प्रिपेयर आई टी जी विथ क्लास टेंथ बेटा इस बारे में चर्चा करेंगे बेटा आपके एफ एक्स के जो सेशन है बेटा अपन लास्ट में लेने वाले हैं सो डोंट वरी अबाउट इट

ज वन ऑफ द की चैप्टर इसके बिना फिजिक्स अधूरी हैल्सो वन ऑफ द मोस्ट अगर मैं एमआई लिखू तो समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठीक है वेरी हाई एंथुसियाजम तो इसके अंदर ध्यान से देखिएगा क्या क्या आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन इन अट्रेट लाइन position time graph speed and velocity uniform and non uniform motion average speed and instantaneous velocity uniformly accelerated motion velocity time position time graph relation for uniformly accelerated motion scalar and vector vector addition and subtraction zero vector scalar and vector product unit vector resolution of vector resol

बहुत ही सीरियसली लेना है बेटा क्योंकि इसी पे पूरी और कही ना कहीं कहीं ना एनर्जी एंड पावर की किसकी तो कर right, 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 बात करते हैं बेटा वर्क एनर्जी एंड पावर की वर्क एनर्जी एंड पावर रिलेटिवली इंपॉर्टेंट चैप्टर है पर साथ ही साथ में इसके की कंसेप्ट देखिए ये शुरुआत का पहला दूसरा तीसरा ये तीनों चैप्टर ये तीनों के तीनों चैप्टर आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है करेक्ट है कि नहीं है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इससे वापस एक से दो सवाल और इससे भी वापस से एक से दो सवाल आपको जे में पूछा जा सकता है ऑल राइट एवरी वन ऑल राइट ई राइट सर बात करते हैं रोटेशनल मोशन की इसको लोग बहुत टफ मानते हैं Little, little भी थोड़ा सा आपको जितने ऊपर के चार चैप्टर आपने पढ़े हैं उनसे रिलेटिव भी थोड़ा टफ रहने वाला है सर आई एम फ्रॉम आई एस सी एस सी आई सी एस सी ओके 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 सर शुड बी स्टार्ट लर्निंग दिस चैप्टर इन एस बी वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टू बिल्कुल आदित्य पाटिल यू कैन स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ एटलीस्ट अभी तो आप बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो एटलीस्ट फिजिक्स एंड मेजरमेंट का काइनामेटिक्स का और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का मेक श्योर sure करें कि आप इन तीनों की अगर बुक रीडिंग करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग आएगा और अगर आपको अच्छे से तो बुक रीडिंग करनी है इनके बारे में तो बेटा हेलीडे रेसनिक वॉकर को रेफर करें ले जो भी लेटेस्ट एडिशन है उसको परचेज करें और जेई में जो है है ना ओरिजिनल वाला ऑथर की है पर जेई में अडाप्ट किया गया है ठीक है कि नहीं है तो मेक श्योर sure करें आप वो किताब जरूर खरीदें जरूर से जरूर खरीदें अगर आपको ये पढ़ना है तो आप उन बुक से इनको रेफर कर सकते हो आपको बहुत मजा आएगा हेलिडे रेस्निक वॉकर हेलीडे रेस्निक वॉकर पियर्सन की चलिए आगे चलते हैं ना रोटेशनल मोशन की मैं बात करता हूं तो ऑब्वियसली रोटेशनल मोशन के साथ साथ यहां पे सेंटर ऑफ मास भी है चैप्टर के अंदर तो रोटेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम सेंटर मोशन क्या होता है रेडियस ऑफ जयरेशन क्या होता है मोमेंटम कब कंजर्व किया जाता है पोलिशन क्या होता है सिंपल जोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट पैर फॉर पेंडिकुलर एक्सिस थे रोटेशन इक्वेशन एंड द रोटेशनल मोशन सो दीज आर द सेम थिंग पर ये इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है ना इसको रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन पे आप बहुत अच्छे से फोकस करें बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जेई एडवांस वेरी इंपॉर्टेंट एम आई मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट है कि नहीं है

हो जाती है प्यारे बच्चों समस्या हो जाती है चले आगे की तरफ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट टर्न्स आउट टू बी सर आईसीएससी और जेई का सिलेबस डिफरेंट होता है क्या बेटा मैं जेई का सिलेबस दिखा रहा हूं मैंने आईसीएससी का सिलेबस अभी देखा नहीं है राइट right, बच्चे तो ये मैं तेरे को पीडीएफ अटैच कर दूंगा इससे तू अपने आईसीएससी के सिलेबस को डाउनलोड करके टैली कर लेना तेरे को पता चल जाएगा ऑल राइट बी हैप्पी ऑल राइट राज ऑल राइट आदित्य चले आगे की तरफ जो लोग सेशन में आते जा रहे बेटा मेक श्योर टू हिट द लाइट बटन और नीचे बूम बूम जे ट्वेंटी रुकना नहीं चाहिए चीते रुकना नहीं चाहिए चल आगे चलते बेटा मूविंग ऑन क्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन इट एजन एन ऑलवेज एन इमेंटर की कैटेगरी में डालूंगा फॉर मेन्स प्लस एडवांस आप आराम से दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इन ईच इन प्लस एडवांस पिछले वाले में आप आराम से दो से तीन क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस में और सेम एडवांस में ये दोनों चैप्टर मेंस प्लस एडवांस मतलब इसके अंदर सेंटर ऑफ मास भी आ गया राइट इसीलिए वो दो से तीन क्वेश्चन हो चुके हैं एंड ग्रेविटेशन ऑल राइट एवरी वन ऑल राइट एवरी और ग्रेविटेशन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे हम देखेंगे कि कैसे की वैल्यू जो होती है स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है है ना तो जी कैसे वेरी करता है, है, तो है लॉस तो कौन से होते हैं ग्रेविटेशन के एसके वेसिटी क्या होती है ऑर्बिटल वेलॉसिटी क्या होती है कौन सी वेलोसिटी से वो गोल घूमता है किस वेलोसिटी से अगर फेंको तो वो पृथ्वी के एटमोसफियर को छोड़ के बाहर की तरफ स्पेस में चला जाए इन सब चीजों के बारे में चर्चा होगी

मतलब ठीक है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेन्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेन्स इंपॉर्टेंट फॉर जेई याद रखना कुछ कुछ चैप्टर एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फ्लूड इज वन ऑफ देम ठीक है फ्लूड हो गया और मैकेनिक्स के अंदर फ्लूइड हो गया और रिजिड बॉडी डायनामिक्स हो गया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो यू कैन नॉट मिस फॉर जेई एडवांस्ड ऑल राइट एवरी वन राइट

यहां से एक इंपॉर्टेंट आ जाता है न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग इसके अंदर हीट वाला पार्ट भी है मैं हीट और थर्मोडायनेमिक्स को एक साथ कर देता हूं हीट प्लस थर्मोडायनेमिक्स मिला के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हीट प्लस थर्मोडायनेमिक्स एडवांस के लिए भाई पूरा का पूरा एक सेक्शन है जहां से तू आराम से तीन क्वेश्चन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस फॉर जेईई एडवांस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना एंड

बताता है कि वी आर एम एस क्या होता है वी एवरेज क्या होता है किसी भी गैस मॉलिक्यूल का करेक्ट है क्या बेटा ये बताता है किस किस के बारे में ध्यान से देना ठीक है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ परफेक्ट गैस वर्क डन ऑफ ऑन कंप्रेसिंग अ गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का द कांसेप्ट ऑफ प्रेशर

पूछ बेटा क्या है तेरे को डाउट आगे चलते हैं दिस वॉज ऑल अबाउट काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड ऑसिलेशन एंड ऑल राइट एवरी वन ऑसिलेशन एंड वेव्स अगर मैं बात करता हूं ऑसिलेशन एंड वेव्स की बेटा तो इसके अंदर क्या क्या है

ठीक है बेटा आपके आंसर में अभी थोड़ी देर में दूंगा पहले जाओ थोड़ा आपके आंसर ले लेते हैं बहुत देर से आप लोग सवाल पूछ रहे हैं बताओ पांच मिनट के अंदर आप अपने डाउट जल्दी लिखिए मैं आपके सबके आंसर दूंगा बेटा जल्दी से बोल साइक्लस साइलस पानी देना थोड़ा सा भाई जल्दी बताओ बताओ सर हाउ टू मेक अ चैप्टर मास्टर बहुत अच्छा सवाल पूछा उसने हाउ टू मेक अ चैप्टर मास्टर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वु वुकमेंड की तू क्या कर सबसे पहले जो क्लासमोट उनको बहुत सीरियस के लिए पहले क्लास नोट कर लिया तूने बिल्कुल सही उसके बाद जो तेरे को होमवर्क दिया जाता है टीपीपी उसके सारे सम्स बनाने की कोशिश कर विदाउट सींग तो नहीं बनता है वो आप अपने एक्सपर्ट टीचर के साथ बैठ के डाउट क्लियर तो करो क्योंकि जितना ज्यादा आप डाउट क्लियर करोगे जितनी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी जितना आपको सवाल करने में कन्विक्शन आएगा उतना ही आप चैप्टर को मास्टर करोगे एंड वंस यू स्टार्टेड डूइंग इट वंस यू स्टार्टेड डूइंग इट आप अगर डीपीपी बना लेते तो, हो बनाओ और e के इलेक्टेड प्रॉब्लम करो चैप्टर हो गया मास्टर नथिंग एल्स नीडेड थैंक यू गाइस सर स्टार्टिंग में हेलो सर हाउ टू स्टार्ट क्लास इलेवेंथ बैलेंस ऑल सब्जेक्ट बेटा अक्षत फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है और किस सब्जेक्ट में आपको लीस्ट इंटरेस्ट आ रहा है जैसे एग्जांपल अगर फिजिक्स में आपको लीस्ट इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को लेकर इंटरेस्ट डेवलप करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्यों, क्योंकि आपको समझिए कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट से कोई एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हो आपको एटलीस्ट दो सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए और एक तो ऑब्वियसली एवरेज तरीके से आना ही चाहिए राइट तो सबसे पहले सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट डेवलप करें साथ ही साथ में क्या करना है एक मिनट जाओ सर हाउ टू स्टार्ट हा हाउ टू स्टार्ट क्लास इलेवन बैलेंस ऑल्सो हाँ सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको थोड़ा सा आप ज्यादा समय दीजिए तभी आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा उसके सवाल जब बनने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस आपको आएगा फिर आप ऑटोमेटिकली तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके चल सकते हो इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हो ऑब्वियसली मैथ्स में थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा बिकॉज उसके अंदर कैलकुलेशन होगा और प्रैक्टिस में उसमें ज्यादा समय लगता ही लगता है बेटा सर स्टार्टिंग में बस बीएम शर्मा स्टार्ट कर लू बेटा आई वुड नॉट रिकमेंड बीएम शर्मा एट ऑल सर जेई के लिए बेस्ट बुक कौन सी है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा एच सी वर्मा वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू एंड वॉकर इफ यू वॉन्ट टू रीड अ बुक दैट्स इट चलो आगे तरफ चले चले आगे तरफ आप लोग अभी सवाल ले लिए गए बेटा आइए आगे की तरफ चलते हैं

और दो सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एडवांस में दो तो नहीं मैं बोलूंगा दो से तीन क्योंकि इसी के अंदर SHM भी आ चुका है है सो इट इज अगेन अ मोस्ट चैप्टर फॉर एंड एडवांस ठीक बेटा दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठीक है बच्चे आ जाओ इलेक्ट्रोल पे आ जाते हैं तो यहां तक था आपके यूनिट टेन तक जो भी आपने देखा दैट वॉज ऑल अबाउट दैट वॉज ऑल अबाउट क्लास इलेवन तो ये आप क्लास इलेवंथ में पढ़ोगे यहां से आपकी क्लास ट्वेल्थ स्टार्ट हो जाती है

पर डूएल प्रॉब्लम्स होती हैं उतनी लंबी नहीं होती हैं जितनी लंबी आपको मैकेनिक्स के प्रॉब्लम में देखने को मिल सकती है राइट right? तो इसीलिए ये डिफरेंट सेट ऑफ सेगमेंट्स है यहाँ पे फॉर्मुला प्रैक्टिस यहाँ पे फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट दोनों काम आएगा बहुत ज्यादा वहां पर सिर्फ कंसेप्ट ही काम आता था वहां पर ज्यादा फॉर्मुले थे नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है चार्जेस कैसे कंजर्व होते हैं कूलम्स लॉ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे रॉड के लिए रिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए स्फीयर के लिए फिर आगे अपन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है वापस से पोटेंशियल भी कई डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए अपन निकालेंगे किस किस के लिए बेटा सबसे पहले अपन निकालेंगे

सर सही कोचिंग कैसे चुने जे के लिए प्लीज रिप्लाई बेटा देख अगर तू ऑनलाइन पढ़ रहा है है ना तो मेक श्योर sure करना बेटा कि तू भीड़ का हिस्सा ना बने छोटा सा यार अमाउंट लगता है बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए है ना कई कई बार हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं है ना सिर्फ कंटेंट देखते थे कंटेंट तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है दोस्त सर्विसेज आर मोर इंपॉर्टेंट बेटा तो ऐसे देखना है जहाँ पे आपको अच्छी मिलती हो जहाँ पे आपको वही टीचर बहुत अच्छी हो। तुझे अगर ऐसे बैचेस ढूंढ रहा है तो एक बार तो हमारे चैंपियन बैच को भी देख सकता है उसके अंदर हम लोगों ने हर चीज का उपाय साझा करके रखा हुआ सर आप एसएससी की तैयारी कराते हो नहीं आंसर अभी तो हमारे पास वो वर्टिकल नहीं है बट नियर फ्यूचर यस वी विल वर्टिकल बच्चे सर आप कब से बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्लास इलेवंथ का आलोक मैंने नीचे ना नंबर दिया होगा नंबर आ रहा होगा उस नंबर पे तू कॉल भी कर सकता है अन्यथा तू गूगल फॉर्म भर दे हमारी टीम तुझे कॉल करने की बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया सेकंड फेज भी आने वाला है दो हफ्ते बाद तो उसमें तू आ, आ जाना सर मीन फर्स्ट टेन चैप्टर्स आर इन इलेवंथ एंड लास्ट लास्ट चैप्टर आर 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 इन 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 यस आदित्य फर्स्ट एंड ऑलराइट एवरीवन चले बढ़े आगे की तरफ सर बुक कौन से यूज करें सात्विक मैंने बता दिया बेटा वॉकर एंड एंड आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स दैट यू कैन सी नथिंग एल्स इज नीडेड नाउ एंड दूसरा ऑब्वियसली आप अपने टीचर के नोट्स और टीचर के जो क्लास जो आपके कोचिंग का मटेरियल है आप उसको बहुत एग्रेसिवली फॉलो करें बच्चों आइए चलिए तरफ चलते हैं बेटा बात करते हैं द मोस्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉल्ड करेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बच्चों अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना एग्जाम में तो जैसे आप थर्मो नहीं छोड़ सकते थे वैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं छोड़ सकते हो इससे कभी कभार अगर तू तो देख ले तो आठ सवाल गए भाई तीस में से सोच रहा है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके अंदर दो से तीन सवाल तो मिनिमम है और एडवांस में भी आप दो से तीन सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो सो आई वुड रिकमेंड दैट करेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडाइनामिक्स एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट यू मस्ट फोकस इनमें आप बिल्कुल अपना फोकस लूज नहीं कर सकते हो एवरीवन right, इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता होता है है रेजिस्टेंस क्या बैटरी के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं तो देखिए टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे रजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे ऑफ डिफरेंट मटेरियल वीआई कैरेक्टर ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कलर कोड ऑफ रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा डिपेंड करता है कि तुझे ब्रांच कौन सी चाहिए बिकॉज अगर सी एस वगैरा चाहिए टॉप हंड्रेड टू हंड्रेड में रहना ही पड़ेगा

अगेन आप दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो ठीक है बेटा तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वन से टू क्वेश्चन आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो एडवांस में। इसके अंदर अपन क्या देखेंगे

पैरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं मैग्नेटिक सीबिलिटीजम वाला पार्ट है यह मेन्सिफिक है यह एडवांस में नहीं है में क्या में मतलब ये वाला एरिया देख कहा से कहा था बार मैग्नेट कहाँ गए यहां से यहां से ये यह पूरा जो, जो जोन है ये सिर्फ और सिर्फ किसमें है बच्चे ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में है एडवांस में नहीं है ठीक है बेटा तो एडवांस में जो दो क्वेश्चन बोले मैंने ऊपर वाले एरिया से ही पूछे जाएंगे अगला आता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एडी एंड सॉरी अल्टरनेटिंग करेक्ट तो जैसा मैकेनिक्स में रोटेशन था वैसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में

वापस से मेंस स्पेसिफिक चैप्टर है इसके अंदर वापस से एक सवाल आप मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है एवरीवन ऑल राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग थैंक यू सर यू आर ग्रेट थैंक यू सो मच आयुष यस आयुष बोल बेटा क्या डाउट है बेटा डाउट ले लेता हूं अभी ऑलमोस्ट अपन सिलेबस कंप्लीट ही करने वाले हैं ऑप्टिक्स पे आते हैं अपन अब किस पे आते हैं बच्चे ऑप्टिक्स पे आते हैं ना ऑप्टिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिक्स अगेन मैं बता देता इट इज एडवांस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट है कि नहीं है

डेफिनेटली दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे ऑल राइट दो से तीन क्वेश्चन तो अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑल राइट एवरी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 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 बच्चे ना फिर आता ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन इसके अंदर क्या क्या है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ट्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन आइंस्टीन लेनाट्रिक इक्वेशन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है ना मैटर वेव्स क्या होती है डी रॉगली रिलेशंस क्या होते हैं और डेविजन जर्बर एक्सपेरिमेंट क्लियर है कि नहीं है अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जे मेन्स प्लस एडवांस दोनों से एक एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं राइट इट इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर फिर एटाइन निकले बेसिकली केमिस्ट्री वाला भी जो पोर्शन है है ना इसके अंदर भोर एटॉमिक मॉडल मास एनर्जी रिलेशन मास डिफेक्ट आईसो बार आईसो क्या होते हैं रेडियो एक्टिविटी ये भी एक सेगमेंट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अब ये दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन्स दो से तीन क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं सोचो तो छोटा सा चैप्टर है एकदम तो इतू सा लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि दो से तीन सवाल हर बार पूछा जाता है इसके अंदर अपन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बेसिकली चर्चा करेंगे हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती क्या उनकी क्या प्रॉपर्टीज होता है कैसे पी टाइप और एन टाइप सेमी बनाए जाते हैं और कैसे दोनों को मर्ज करके डायोड और ट्रांजिस्टर्स की उपलब्धि पाई जाती है राइट प्यारे बच्चों

पर उन दस में से सिर्फ पांच ही आपको करना है पांच नहीं करना है राइट दीज द पैटर्न ऑल राइट एवरी वन ऑल राइट चलिए तो मैंने जहां जहां आपको बताया कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है अब देखते हैं उन चैप्टर से कैसे कैसे में सवाल आ रखे हैं आइए देखते हैं मैंने कुछ ईयर के यहां पे आपको सब लोग देख रहे हैं यहां पे माइंड ब्लोइंग प्रयागराज से हैं ओके एवरीवन आईज ऑन द बोर्ड नाउ है ना मैंने ईयर वाइज और शिफ्ट वाइज है ना सबके आगे नंबर ऑफ प्रॉब्लम लिखे हुए हैं ठीक है तो देखना ध्यान से जनवरी 2019 में आठ सवाल आए थे अप्रैल वाले अटेम्प्ट में सात सवाल आए थे फिजिक्स एंड मेजरमेंट ठीक है कि नहीं बिल्कुल सही जनवरी 2020 में पांच सवाल आए थे सितंबर 2020 में पंद्रह दोनों का सम करो पंद्रह दोनों का सम करो पंद्रह दिख रहा है क्या आप लोग बिल्कुल सही सर अब देखना ध्यान से अब 21 में देखो एक दो कितना हो गए तीन चार पांच छ करेक्ट है कि नहीं है छह सवाल आए 21 में दो. तो यहां से यहां देखो आप डिप आया सही तो है कि नहीं है और 22 में एक सवाल आया इसका एक और होगा आगे भी तो आप देख रहे हो क्या गजब का डिप आया करेक्ट तो वही है। आप अपने शिफ्ट में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ऑलराइट एवरीवन ऑलराइट आओ काइनामेटिक्स की बात करते हैं चौदह और ग्यारह कितना हो गया छोटे पच्चीस ग्यारह और छह सत्रह अब देखो दो और चार छ छ आठ एक नौ ऑल राइट एवरी देख रहे हो आप लोग नौ सवाल आए वापस इसमें एक या दो सवाल आप पर शिफ्ट अज्यूम कर सकते हो ठीक है फिर आता है लॉज ऑफ मोशन देखो तो सेम सेम से रेशो पांच चार तीन चार दो एक दो तीन मतलब चार नौ तीन, नौ तीन ठीक है बेटा चार दो एक सात करेक्ट है करेक्ट है सात दो नौ सात दो नौ नौ और तीन दो पांच इसके और भी शिफ्ट है ट्वेंटी टू है ना ये नहीं दो ही ठीक है चार दो छह, सात आठ नौ करेक्ट है कि नहीं? उसमें और शिफ्ट है तो उनको अभी थोड़ा आप मत देखिए यहां तक देखिए पहले तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेढ़ एवरेज आ रहा है इसका डेढ़ से दो सवाल दो सवाल इसमें दो से तीन सवाल करेक्ट है इसमें डेढ़ एवरेज ये आप मान सकते हो वर्क एनर्जी एंड पावर कितना आया सोलह उन्नीस करेक्ट आप देखिए ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आया ही नहीं पर इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है किसी और फॉर्म में आया होगा रोटेशन के अंदर पूछ दिया होगा कि भैया इसकी रोटेशन कैनेटिक एनर्जी कितनी है ठीक है कि नहीं है बेटा तो याद रखना है इट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें भी आप एक से मैंने वही बताया था आपको आप पहले वहां बताया बेटा एक से दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रोटेशनल मोशन देख ध्यान से अठारह इसके अंदर दोनों आ गया सेंटर ऑफ मास भी आ गया अठारह और उन्नीस सोलह और इक्कीस देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर प्यारे बच्चों तो इनको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है आरबीडी प्लस क्योंकि दोनों लहजे से इंपॉर्टेंट है कौन कौन से लहजे से एक तो मेंस के लहजे से भी इंपॉर्टेंट है और एक एडवांस के लहजे से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 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 ग्रेविटेशन को देखो भाई छोटू सा चौदह दो तीन चार पांच छ नहीं पांच इससे आप आराम से ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तेरह और छह उन्नीस सॉलिड एंड लिक्विड दोनों है इसमें है ना सात और नौ सोलह हो गया तीन चार तीन चार पांच आप देखो एकदम सडन डिप आ गया उसके बाद तो और डिप आया होगा तीन मतलब सालों साल इसमें डिप ही आता जा रहा है ठीक है तो इस पर आप एक्सपेक्ट करिए कि आपसे एक सवाल या दो सवाल पूछ सकते एक से दो सवाल ठीक है थर्मो देखो भाई जो बोल रहा था ना स्टार मार्क कर रहा हूं इसके आगे में स्टार मार्क कर रहा हूं देखो ध्यान से ये स्टार मार्क अठारह तेरह ग्यारह सोलह दो एक दो एक दिख रहा आपको फिर एक फिर और में भी आया हो इससे आप आराम से दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए दो से तीन क्वेश्चन

तेईस बीस बारह इक्कीस दो एक दो एक देखना कितना इंपोर्टेंट चैप्टर दो क्वेश्चन मिनिमम करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो आंखें खोल के देखना है आठ बारह दो दो एक दो तीन दो करेक्ट है कि नहीं बिल्कुल सही है सर तो इट इज अगेन ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है दो से तीन क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ़ करंट मैग्नेटिज्म देख रहा आपको तेईस उन्नीस नौ बाईस एक दो यहाँ पे भी आप आराम से दो क्वेश्चन अच्छा एक्सपेक्ट एक कर सकते हो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव एक सवाल और ऑप्टिक्स और डुअल नेचर ऑफ लाइट दो से तीन सवाल आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो राइट एवरी वन अब आते हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स पे पे किस आते हैं बेटा मॉडर्न फिजिक्स पे देखो ध्यान से नौ ग्यारह बीस आठ नौ सत्रह सात सात चौदह आप देख रहे हो आप देख रहे हो कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देख रहे हो आप एटम एंड न्यूक्लियर एक से दो सप्ट ऑल राइट एवरीवन ऑल राइट ही आपको दिख रहा होगा इसमें खूब सारे शिफ्टेड थे इसमें 240 सवाल थे इसमें 240 सवाल थे इसमें डेढ़ सौ सवाल थे इसमें ढाई सौ सवाल थे इसमें तीस सवाल थे ये तीस सवाल ये तीस सवाल ये तीस सवाल तो उसी के हिसाब से रेशियो लिखा है मैंने वन टू 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 पॉइंट थ्री फाइव और थ्री ऑल राइट एवरी वन ऑल राइट एवरी जल्दी से थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग माई डाइट ओके बेटा सर मैथ भी पढ़ाते हैं नहीं बेटा मैं सर फिजिक्स पढ़ाता हूँ बच्चे अमित सर मैथ्स पढ़ाते हैं सर चैप्टर कम इन इन मेन यस 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 बेटा एवरीथिंग कम्स ठीक है अच्छा मैंने वैसे तो सारे चैप्टर आपको बता दिए जई एडवांस के पर मैंने इस स्लाइड में जई एडवांस के भी टॉपिक लिखे हुए हैं ठीक है कि नहीं है जई एडवांस के भी टॉपिक लिखे हुए हैं ये नीचे मैं आपको नीचे दे दूंगा ताकि आप मतलब नीचे कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा आपको डिस्कस कर दिया प्यारे बच्चों अब नाउ इट्स ऑन यू आप जो सवाल पूछोगे अब एक छोटा सा एफ क्यू लेते हैं अपन बच्चे जो जो आपके डाउट है आप मुझसे पूछते जाइए मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा है ना एंड यू गाइज आर अमेजिंग है ना सो so, सबसे पहले अपने लिए अपने ड्रीम कॉलेज के लिए बूम बूम जय ट्वेंटी जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में मेरे मोटिवेशन को बढ़ाओ गाइस और मैं पहली बता रहा हूं जितने स्टूडेंट अभी देख रहे हैं मुझे जितने स्टूडेंट देख रहे हैं बच्चे है ना बहुत मेहनत से शिद्दत से आप लोगों के लिए लेके आया जाता है बच्चे है ना तो जब जाओ ये वीडियो जब खत्म हो जाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों कैसा लगा ये है ना आपके लिए मैं ऐसी बेहतरीन बेहतरीन चीजें लेके आता रहूंगा ठीक है बेटा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा चल। सर फिजिक्स में ऐसा बुक बताइए जिससे टाइप वाइज क्वेश्चन हो जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चन हो बेटा टाइप वाइज अगर क्वेश्चन चाहिए तो संगेज बेटा आराम से तू क्वेश्चन क्वेश्चन का भर बैठ के करते रहे अच्छा आदित्य ओके सर इलेवन टू ट्वेल्व थैंक यू सो मच अक्षर थैंक यू सो मच आदित्य है ना नीचे जब जाना ना बेटा गाइड लोग तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में फाइनली कैसा लगा सेशन वो वाले कमेंट बॉक्स में राइट आगे 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 क्या है सर सही कोचिंग कैसे चुने जे की प्लीज मैंने बता दिया बेटा सबसे पहले तो अपना माइंड सेट बना कि तेरे को क्या करना है तेरे को ऑनलाइन लेना, लेना है ऑफलाइन लेना है ऑनलाइन लेना बता दिया भाई जहां तेरे को रेगुलर गाइडेंस सेशन मिलते रहे स्ट्रेटेजी सेशन मिलते रहे और सीनियर फैकल्टी पढ़ा और उन्हीं फैकल्टी से डाउट रिजॉल्व हो वहीं जाना और कहीं मत जाना और अगर ऑफलाइन लेना है ऑब्वियसली अपने सिटी में तू बेस्ट देख ले अगर तू लोकेट कर सकता है तो कोटा आ जाए यहाँ आके पढ़ ले और नहीं आ पड़ता तो अपने सिटी में बेस्ट देख सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मैं न्यू हूँ हाय न्यू फैजान अली भाई क्या हाल चाल

आई थिंक बेटा मैंने सारी चीजों को आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया एवरी वन है ना आई होप आपके लिए सेशन बहुत यूजफुल रहा हो ये जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो गाइज आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा कभी भी रेफर करना हो कि सिलेबस में है या नहीं है हेलो सबा क्या हाल चाल है बच्चे कैसा है हेलो वैष्णवी ठीक है बच्चे तो आप रेफर कर सकते हो ऑल राइट right, मेरे बच्चों ठीक है सो सर वेन क्लासेस सर आई आई एम फाइन आप बताइए मैं बहुत बढ़िया हूँ मेरे भाई मैं बहुत सर आएम नी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव को करना चाहते हैं यूट्यूब से ओके okay, सबा आप बिल्कुल कर सकते हो बेटा सर आपके फ्री क्लासेस हैं कि नहीं यूट्यूब पर सर मुझे अगर आपको मेरे लेक्चर देखने हैं ए स्टार कोटा चैनल पर जाके आप मेरा नाम सर्च करके एडवांस की मेरी प्रॉब्लम सीरीज आप देख सकते हो बेटा बहुत अमेजिंग अमेजिंग प्रॉब्लम सीरीज मैंने डाल रखी है ऑल राइट right? सर हाउ टू स्टार्ट एनसीईआरटी फॉर जेई एग्जाम परपज अगर जेई पढ़ रहे हो बेटा अभी आप तो एनसीईआरटी की आप बुक रीडिंग करो बस बुक रीडिंग से जेई में काफी कुछ आएगा और जो आपके कोचिंग में जिस भी कोचिंग में हो आप टीचर को ज्यादा ब्लाइंडली फॉलो करो ये मेरा सजेशन रहेगा ओके प्लीज रिप्लाई सर अंकिता गुप्ता सर एनसीआर इज मोर इंपॉर्टेंट और कोचिंग मॉड्यूल्स सी अंकिता देख अ फाइन गैप राइट इफ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री ऑब्वियसली एनसीआरटी लाइन टू लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट है कोचिंग में भी जो पढ़ाया जाता है साथ तो ना तेरे को कोई लोड नहीं आएगा तेरी ऑलरेडी एनसीईआरटी भी हो ही जाएगी पर अगर तुझे एडवांटेज चाहिए तो ऑब्वियसली कोई भी चैप्टर तेरी कोचिंग में जब स्टार्ट होना तो उससे पहले ना बच्चे तू जेई एनसीईआरटी की बुक रीडिंग कर लेना दैट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू

आसपास की अपने फैमिली की आसपास के लोगों की आप रेस्पेक्ट करिए क्योंकि देखिए पढ़ाई वढ़ाई तो सब चलती रहेगी अगर हम इंसान ही अच्छे नहीं रहेंगे तो बाकी सब व्यर्थ है ऑल एवरीवन एवरी वन एंड यू डू यू गाइज विल एब्सोल्यूटली रॉक एब्सोल्यूटली रॉक इन जे ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव चले तो आज का सेशन यहीं तक तब तक के लिए टाटा बाय बाय लव यू ऑल